इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानं उच्यते एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम् आवृत्या देहिनम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिस्थानम् उच्यते एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम् आवृत्या देहिनम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्मोहयति एषा ज्ञानम् आवृत्या देहिनम्। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतो विमोहयति एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् ज्ञानम् आवृत्या देहिनम्। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतद्विमोहयत्यश्च एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् ज्ञानम् आवृत्या देहिनम्। ना करना है किसी को, नहीं तो ऑनलाइन करता। हाँ मदद ही करना है। तो रेडमी, रेडमी में जो है वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। रेडमी 6 प्रो पढ़ना है। कौन है? रेडमी 6 प्रो अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, कोई बात ना। अखिल गुप्ता प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। इंद्रियाणि मनो और बुद्धि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येषा एतैर्मोहयति एषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् ज्ञानम् आवृत्या देहिनम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो बोलो, स्टार्ट करो। क्या हुआ? इंद्रियाणि मनो बुद्धिर इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रियाणि मनो बुद्धिर इंद्रियाणि मनोबुद्धि बोलो आगे। पढ़ो पढ़ो। अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते एक बार पढ़ो, अस्याधिष्ठानमुच्यते एक बार पढ़ो, एक इति लाइन। विमोहयातेषा एतैर्विमोहयति ज्ञानमावृत्य देहिनाम् ज्ञानमावृत्यादीनाम्। विनु मातरी हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयति एषा एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानमवर्त्या देहिनाम् ज्ञानमावृत्या देहिनाम्। गौरव प्रभु। इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते अस्याधिष्ठानं मुच्यते एतिर्विमोहयत्येष
एतैर् विमोहति येषां ज्ञानं मावृत्य देहिनं ज्ञानं मावृत्य देहिनं अदिति सिंह इन्द्रियाणि मनो बुद्धि इन्द्रियाणि मनो बुद्धि यस्य अधिष्ठानम् उच्यते यस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयति येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम् अदिति कहाँ से हो बोलो प्रभु जी हरमू से हरमू से प्रभु जी सेंटर आए हो ना तुम हाँ 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 ठीक है उमेश बोरा प्रभु हाँ इंद्रिया रुको इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् त्यादिष्टान् मुच्यते अस्याधिष्ठानं मुच्यते एतैर्विमोहयत् एषः एतैर्विमोहयति एषः ज्ञानमावृत्य देहिनं ज्ञानमावृत्य देहिनं आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाएगा नहीं पढ़ने में बाकी को कल चांस देंगे कल भी रहिएगा आप लोग सो इंद्रियां मनः मन बुद्धि बुद्धि अस्य इस काम का अधिष्ठानम् निवास स्थान उच्यते कहा जाता है एतहि इन सबों से विमोहयति मोहग्रस्त करता है एषः यह काम ज्ञानम् ज्ञान को आवृत्या ढककर देहिनम् शरीरधारी को अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की सो आप लोग सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे करते हैं इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है तो मेरे साथ बोलिए इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है तात्पर्य है जो क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों की ओर संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है आई होप आप सब लोग अब जान गए हैं मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है अरे वाह पूरा स्थान दे दिया है बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसी है नेबर काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है इससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 84 श्लोक के 13वें 84 अध्याय के 13वें श्लोक में आत्मा की इस मिथ्या स्वरूप की अति उत्तम विवेचना की गई है ये श्लोक प्रभुपाद जी का फेवरेट श्लोक है
यस्यात्म बुद्धि कुनपेति धातु त्रिधातुके स्वधि गलत्रादिषु भौम इज्यधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहि चेत् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। इसका अर्थ क्या है? जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थानों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु तो स्नान करने के लिए करता है, सैव गोखरा, गो मतलब गाय, उसे गधा या बैल के समान ही समझना चाहिए। तो खरा तो मतलब हाँ खरा मतलब गधा सॉरी हाँ तो गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो ये कौन बोल रहा है? श्रीमद भागवतम में बोला गया है 10वें स्कंद के 84 श्लोक के 13वें श्लोक में। तो इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं, आप लोगों ने सुन लिया है, थोड़ा सा इसको हम समझाएंगे आपको। नमाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विशेष श्लोक है, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, काम हमारा नित्य मित्र है, क्यों हम सबका नित्य मित्र है, सब लोग यही मानते हैं। हाँ तो नित्य एक्चुअली हम मित्र ही मानकर तो जी रहे हैं हम, नहीं तो हमें डर लगता ना। अगर हमें पता होता कि ये हमारा शत्रु है तो हम इसको आजकल पालने में ना लगे होते ना। आजकल हम सब ये योजना बनाते हैं इसको और बढ़ाने की योजना। तो ये जो शत्रु है हमारा सर्वभक्षी शत्रु जो है, कुछ भी जो खा सकता है, और वो अभी कहाँ रहता है? क्योंकि तो आप किसी शत्रु पे वार करना चाहोगे तो ऐसे थोड़ी आप वार कर पाओगे जब तक आपको उसकी लोकेशन पता ना हो। तो ऑब्वियस सी बात थी, कृष्ण भगवान को बताना था कि कहाँ पर वो है, कहाँ से अटैक करता है, कहाँ पर छुपा हुआ है, किन किन जगहों पर अटैक करता है, क्या स्थान है उसके, शरण स्थलियां हैं। जैसे भारत, जब भारत से जो सैनिक होते हैं आतंकवादियों को ढूंढते हैं, कहाँ छिपे हुए हैं लोग, क्या बोलते हैं उसको, कहाँ छिपते हैं उसको, कुछ बोलते हैं बंकर ना, बंकर बना बना के कहाँ छिपे हुए हैं। हाँ तो वो बंकर स्थान कहाँ है इनके छिपने के, तो वो स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। हाँ तो वो स्थान कौन कौन से हैं? इंद्रियां, मन तथा बुद्धि। तो ये वास्तव में हमारी इसमें जो इंद्रियां हैं वो एक्चुअली देख वो हमारे स्थूल शरीर का पार्ट है और मन बुद्धि हमारा सूक्ष्म शरीर का, ये काम के स्थान है। और आप देखेंगे भगवत गीता में भगवान यहाँ पर एक हमें विज्ञान सिखा रहे हैं, ये साइंस है, ये कोई यहाँ पर भगवान ये नहीं बोल रहे हैं हिंदुओं के अंदर ऐसा होता है मुस्लिम के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये सब जीव के अंदर होता है, बद्ध जीव जो है संसार में जो जन्म है उसके सब के अंदर ये विज्ञान है, ये आपको किसी मानव निर्मित किताब में नहीं मिलने वाला है, ये प्रभु भगवान निर्मित ही ज्ञान है तभी आपको पता चल सकता है। अदरवाइज कोई चाह के भी पूरे दुनिया लगी हुई है मन को समझने में, मानसिक रोगों को दूर करने में, बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये सब नहीं समझ सकते, उनके उनके रिसर्च से ऊपर का विषय है। आज हमारा जो शरीर है उसके बहुत चीजें अभी मेडिकल साइंस के पास कोई उनका इलाज नहीं है। मन की बीमारी की तो बात ही छोड़ दो आप, शरीर जो दिखता है उसका इलाज नहीं है, मन की बीमारी का क्या करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान हमें प्रॉपर बता रहे हैं कैसे कैसे होता है। तो प्रभुपाद आप देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ एक्टिविटी या मन। और जब हम इंद्री विषयों के संबंध में सुनते हैं,
हाँ, हमें जो भी हमारे सबसे नुकसानदायक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उसको हाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, हाँ तो उसके साथ वाला उसको कहीं से भी आवाज सुनाई दे देती है, बगल से कमेंट्री चल रहा है, हाँ बस दो बॉल बची हुई है, हाँ ऐसे ऐसे, तो वो जैसे कान में जाता है ना वो फिर बैठ नहीं सकता, एक्टिव हो जाएगा उसका तुरंत। तो इंद्रिय विषयों के संबंध में जैसे ही सुनता है वो तो क्या होगा, तो कान से उसने सुना, इनपुट गया, हाँ, और उसने तुरंत मन क्या करेगा, मन का काम क्या है, उसको वो अब बताएगा, बड़ा मजा आएगा, तो पुराने अनुभव देगा उसको मन में, क्योंकि हमारे अनुभव पड़े हुए हैं, आंखें थोड़ा खोली माता जी, मन में अनुभव पड़े हुए हैं, हाँ मन में अनुभव है, वो अनुभव लास्ट टाइम बड़ा मजा आया था याद है, तो तुरंत हमारा पैर, तो तुरंत मन क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, आपके पैर वैर सब भाग चलेंगे उस तरफ, किताब को आप ऐसे पढ़ा रहेगा छोड़ देंगे, भूल जाएंगे किताब, भागे चले जाएंगे आप जहां पर कमेंट्री चल रही है, मैच चल रहा है, शामिल हो जाएंगे। हमें याद है जब पहले क्या होता था, क्योंकि पहले तो एक्सेसिबिलिटी कम होती थी ना, लोगों के पास कनेक्शंस कम होते थे, तो लोग बड़े लोग सड़कों पे खड़े रहते थे, हाँ टीवियों की दुकान होती थी, लोग सड़कों पर खड़े रहते थे, हाँ चल रहा है छक्का पड़ा तो पता है, तो ये सब मतलब उस दिन लोगों का और कोई काम ही नहीं होता है, हाँ टीवियां फूट जाती हैं बाद में, तो दे बिकम सो अटैच्ड, तो माइंड क्या है, और फिर आप देखेंगे अगले दिन जब हार जाता है तो कितना डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिल्लाते रहेंगे अरे ये इसका फॉर्म चला गया, ये टेंशन पा, तो सी दैट बिकॉज वी आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड, सो तो मन क्या कर रहा है, क्योंकि अभी क्या हो गुस्सा आता है, क्योंकि वो अभी हमारी इंद्रियों को संतुष्टि नहीं किया है, तो ये जो मन है वो हमें पुराने अनुभव उसमें इंप्रेशंस पड़े होते हैं, तो वो आपके सामने आपको पिक्चर दिखाता है, इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मना सष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, मान लीजिए आप बिल्कुल एकांत जगह पर बैठे हुए हैं, एकांत जगह पर, और आपके पास कोई भी बुरी चीज आपके आसपास नहीं है, न सुनने के लिए, न देखने के लिए, न स्पर्श करने के लिए, लेकिन अचानक ही आपका मन आपको विचार दे देगा, अरे कल इस समय कितना मजा कर रहा था, अभी क्या कर रहा है अकेले में, फोटो दिखा देगा पुरानी तुम, हाँ दोस्तों के साथ घूम रहे थे, पार्टी कर रहे थे, क्या बैठा हुआ है अकेले, पिक्चर दिखाएगा, क्योंकि उसके मन में फोटो पड़ी हुई, इंप्रेशंस पड़ी हुई है, तो आप सोचिए उस समय कुछ नहीं था वहां आपके आसपास, कोई आके फ्रेंड नहीं बोला अरे चल घूमने, लेकिन आपके मन में जो फोटो पड़ा हुआ है खींचा हुआ वो आपको विवश कर दे, तो इसीलिए मन यहाँ पर छठी इंद्रिय की तरह काम कर रहा है, इसीलिए मन को छठी इंद्रिय बोला गया है, तो पांच इंद्रियन का विषय वस्तु ना होते हुए भी छठी इंद्रिय आपको डिग्रेड कर देगी फिर से, तो इसलिए देखा ना, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, मन के अंदर भी काम का पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये इस तरह मन तो क्या हो रहा है, मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है, समस्त भाव, और इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद क्या होगा, जैसे बताया ना कान से सुना या मन ने विचार दिया, तो अब जाहिर सी बात है अब घर में पहरा है, मम्मी पापा ने बोला है बेटा पढ़ाई एग्जाम का टाइम है, तो अब भागने का प्लान बनाना है ना, तो अब क्या काम करेगा, प्लान कौन बनाता है, बुद्धि बनाएगा, मन तो आपको दे दिया बड़ा मजा आएगा, मन ने तो इतना बोल दिया बस मजा आएगा, बाद में जब पिटाई होगी उसका नहीं बताएगा वो, बाद में पिटाई का नहीं बताएगा वो, अभी बताएगा मजा आएगा, क्योंकि उसको तो आपको पिटवा बहुत आपको दुख ही देना है, मन का काम ही दुख देना है आपको, मन और कोई काम नहीं करता है सिर्फ दुख देता है,
वो आपको ये नहीं बताएगा बाद में क्या होगा, अभी क्या है, मजा कैसे आएगा, शॉर्ट टर्म प्लान कराता है आपसे। तो वो इसीलिए आपको भगाएगा, तो आप प्लान बनाएंगे कैसे करें, भाग चलें, छलांग मार दें, क्या करते हैं, हाँ कुछ कुछ बनाएगा प्लान। और आप किसी तरह से जुगाड़ उगाड़ करके झूठ बोल के कि मेरे को ना मेरे दोस्त से नोट्स लेने हैं, थोड़ा सा एग्जाम है तो दो नोट्स लेके आना है, थोड़ा नहीं तो फेल हो जाऊंगा। अच्छा जाओ जाओ जाओ, ले भी आएंगे नोट्स। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये है मन का काम, प्लान। अब बुद्धि मतलब प्लान बना रहे, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है, कैपिटल विचार, मतलब कैसे कर रहा है इंप्लीमेंट, कैसे बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसी है, निकट पड़ोसी नेबर है। सी, और इसका क्या मतलब हुआ, प्रभुपाद बोलते हैं काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही वो प्लान किया कि ये करना है, उसको एंजॉय करने का भावना आ गया, तो उसके अंदर भावना आ जाता है कि ये मैं और मेरा की भावना आ जाता है उसको, वो मतलब आत्मा ये सोचने लगता है कि ये मेरा ही, इससे आनंद होगा। तो आत्मा और बुद्धि को बहुत ही, मतलब बुद्धि का बहुत सबसे क्लोज है ना, तो ये भावना आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं ये आत्मा की सबसे निकटतम पड़ोसी है, मतलब जब आप ये करते हो तो आपके अंदर ये भावना आ जाएगा, जब आप वो इंद्रिय तृप्ति करोगे आनंद लेने के लिए, वो प्रयास वो काम करोगे एक्शन, तो आपको ये लगेगा कि आपके ही लिए है वास्तव में, जबकि आत्मा का इससे दूर दूर से लेना नहीं है, आत्मा तो दिव्य अनुभव लेता है ना। तो यही भ्रम हो जाता है, शरीर को इंद्रियों को संतुष्ट करना, तो हमें लगता है हम अपने को संतुष्ट कर रहे हैं, ये भ्रम अहंकार है, इसे मिथ्या अहंकार बोलते हैं। तो वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है, आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। वास्तविक सुख नहीं है एक्चुअली, मतलब शरीर को आनंद देने से उसको हम सोचते हैं कि मेरे को आनंद मिल रहा है, ये भ्रम आ जाता है, भ्रम है। और इसी में बार बार हम करते रहते हैं। आप देखिए ना, इस शरीर को जो आप देखिए, ये शरीर को आप आनंद, कोई भी चीज आपको कितनी भी अच्छी क्यों ना लगती हो, एक एग्जांपल में दिया था एक बार कि एक मेरा एक भक्त था, वृंदावन आया था, सेवा कर रहा था, गोविंद करके था, उसका नाम गोविंद था, वो था क्या, हरियाणा से आया था। तो उसको बहुत गुलाब वो पसंद था, क्या रसगुल्ला पसंद था। हाँ जाग जाओ, जो रसगुल्ला सुन के कोई सो रहे हो तो। हाँ तो रसगुल्ला पसंद था उसको, तो फिर भी रसगुल्ला बोला तब भी कुछ करे हैं, कल्पना कर रहे हैं क्या, मन नहीं दे रहा है कुछ, पिक्चर नहीं बना रहा है। तो उसको बोला मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मैं खूब खा सकता हूँ। ठीक है तुम्हारे लिए मंगाते हैं, मैं उसके लिए 15-20 मंगाया, तो बड़ा खा जाऊंगा, सब खा जाऊंगा। अच्छा खा जा भाई, ले ले तेरे सामने ऑफर है। तो एक खाना शुरू किया, बड़ा मस्त था, मजा आ गया। दो, अब मजा उड़ाया, कम आया है। हाँ तीसरा करते करते, चौथा करते करते निचोड़ के खाने लग गया, रस निचोड़ दिया, बोला अब निचोड़ के खा रहे हो, पांचवें छठवें तक बस बस बस। हाँ उसको बाद में वोमिटिंग तक हो गया। पॉइंट ये, तो ये है हमारे शरीर का आनंद, शरीर का आनंद। आप बस थोड़ी देर, वो क्षणिक वाला है। आप सोचिए, आप ज्यादा, एक लिमिट तक होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप चाहो कि बढ़ता रहे आनंद, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा। आप चाहे इस विश्व दुनिया की सबसे क्यों ना अच्छी चीज, आपको जो कोई चीज कितनी भी क्यों पसंद ना हो, आप उसको ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, बोर हो जाओगे, उब जाओगे उससे। यह है आत्मा का, ये शरीर का आनंद, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा लिया गया आनंद की ये परिभाषा है, क्षणिक, और बाद में वो दुख देगा। अगर आपने ज्यादा कर लिया ना तो दुख देगा, तो क्षणिक है और दुख देगा बाद में।
तो ये ज्ञान आना बहुत जरूरी है, वरना हम सोचते हैं अरे क्या भाई हमें क्यों रोक रहे हो, मजा आता है हमको ये करने से। अरे वो मजा नहीं, वो सजा बनेगा। इंद्रिय के द्वारा जो सुख भोगने की कोशिश करता है दैट विल बिकम अ पनिशमेंट फॉर यू इन द लॉन्ग रन। अब मान लीजिए जो बोलता रहता है अरे पढ़ाई बाद में कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाई करने में हमको सत्वगुण चाहिए। तो स्टूडेंट अगर इंद्रिय भोग के पीछे पड़ गया ना तो पढ़ाई में कभी अच्छे नंबर नहीं ला सकता, तो सजा बनेगा ना बाद में। अब बोलेगा अरे बाद में कर लेंगे, अभी क्या, अभी तो मजे करते हैं, पढ़ने का मन तो कर नहीं, मजे करते हैं। और ऐसे करते करते एग्जाम फाइनल टाइम आ गया। जैसे इंजीनियरिंग के टाइम में हमें याद है कि बच्चा ही कहता है सेमेस्टर भर बाद में कर लेंगे, बहुत टाइम है, अंतिम महीना में कर लेंगे, जब डेट आएगी एग्जाम की तब कर लेंगे ना, अभी तो कहाँ एग्जाम डेट आया है। और फिर पता लगा डेट भी आ गया, बोला गैप में कर लेंगे, एग्जाम के जो बीच में गैप होता है उसमें तैयारी कर लेंगे। अब गैप भी चला जाता है, फिर बोलते अरे भाई थोड़ा तू करवा देना, थोड़ा मदद कर देना, तो नकल नकल करके इधर उधर की कोशिश करता है। तो ये स्थिति है, ये है हमारा। तो इसीलिए इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में पड़े ना तो हमारे लिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट, दंड मिलेगा हमें सबको। तो अब जो सबसे जबरदस्त बात बोली गई है, तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो इसीलिए ये कुछ प्लेसेस हैं जहां पर काम रहता है, भोग की इच्छा है। अब अगर आपको इनको यहां से भगाना है, इसको हमें तो लोकेशन पता चल गई है, भगाना कैसे है। प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं, प्रभुपाद मतलब समझा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो बोलते हैं कि जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहां माया तहां नहीं ना, यहाँ कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। मतलब कृष्ण सूर्य सम है और माया क्या है, अंधकार के बाहर। तो अगर सूर्य होगा तो अंधकार नहीं हो सकता ना, तो कृष्ण है तो माया नहीं हो सकती। तो वैसे ही काम नहीं रह सकता है जहां कृष्ण है, कृष्ण। तो इसीलिए अगर आप इंद्रियों को हर समय भगवान की सेवा में लगाए रहोगे तो आपके पास, तो आपके पास काम रहेगा ही, क्योंकि एक ही चीज रह सकता है ना, ये तो सूर्य की रोशनी या तो अंधकार। तो अगर आपने अपने आप को हर समय सतर्क रख रखा है कि नहीं आया कि मुझे कृष्ण की सेवा में लगाना है, तो अब फिर आपके पास टाइम कहाँ है, इंद्रियों को कोई टाइम ही नहीं मिलेगा। और अगर मन को आपने लगा रखा है कृष्ण पे मन आपका लगा हुआ है, तो फिर माया के लिए कहाँ टाइम रहेगा। तो मन कृष्ण, आपको कृष्ण के चरण, कृष्ण पे पूरा लगा के रखना है। तो मन को भजहूं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, श्री नंद नंदन पे आपको लगाना है। मन के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। और दुष्ट मन, कभी बोला गया है मन को, कभी बोला गया है अरे, कभी कभी इसको फुसलाया बहलाया फुसलाया जाता है, क्योंकि मन को हमें मित्र ही बनाना है फाइनली, यानी कि मन को हमें रिजेक्ट कर देना, मन को हमें मित्र बनाना है, शत्रु से मित्र बनाना है। मित्र बनेगा तो बहुत अच्छा है, शत्रु बनेगा तो बहुत बुरा है, तभी हमारे लिए सबसे बुरा है हमारा शत्रु बनकर बैठा हुआ है। तो इसीलिए इंगेज योर माइंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और अब आई बात, बुद्धि को प्लान करना है कि कैसे कृष्ण भावनामृत में लगाए। हमें सब प्लान करना चाहिए हर समय, हाउ टू सर्व, सेवा का भावना। आप गीता पढ़ने के लिए बुद्धि लगाना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, अरे बुद्धि लगाओ टाइम मिलेगा, टाइम निकालो। जैसे आप सब लोग यहाँ पर हो, आप सब लोगों ने प्लान किया कि नहीं मुझे अपना 7 से 8 का समय देना है, तो समय निकला। तो बुद्धि से आपने प्लान बनाया, और तब जब बुद्धि से आपने प्लान बनाया तो मन आपके हिसाब से चला, क्योंकि बुद्धि से नीचे है मन, मन से नीचे है इंद्रियां। तो अगर आपने बुद्धि आपकी अच्छी हो गई, समझदार हो गए आप अगर आध्यात्मिक रूप से,
तो मन उसकी सुनेगा, और अगर मन समझदार हो गया तो इंद्रियां उसी हिसाब से काम करेंगी। तो ये हो रहा है, तो आप सब लोग इसीलिए सुन रहे हो। आपकी इंद्रिय कान इंद्रिय लगी हुई है, आपकी आंख इंद्रिय लगी हुई है, इस तरह से आप तो इंगेज्ड है आपका। तो ये तरीका होता है अपने आप को इस काम रूपी शत्रु से मुक्त करने के लिए। तो अगर आप इसको रोज प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे धीरे 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 आप खुद ही देखोगे ये आपका जो नित्य शत्रु गायब हो गया आपके। तो इसीलिए बताया भी जाता है कृष्ण जैसे सूर्य सम है, तो क्यों? बिकॉज आपको पता होना चाहिए भगवान गीता में बोलते भी प्रभास्मि शशि सूर्य हुआ, जो प्रभा है शशि और सूर्य का, चंद्रमा और सूर्य का जो प्रभा है किरण है वो तो भगवान से आता है। ये संसार वास्तव में अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए बोला जाता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर जाना है। तो ये संसार अंधेरा ही है वास्तव में, अगर सूर्य ना निकले चांद ना निकले तो अंधेरा ही तो है। और सूर्य और चांद जो है वो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उससे ही वो प्रकाशित है। तो इस तरह से भगवान के द्वारा ही इनडायरेक्टली प्रकाशित है, हाँ ठीक है ना। तो माया का, इसीलिए माया का इस पे इस जगत को माया का जगत बोला जाता है। मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस। जैसे आपको बताएं कि जैसे आप सूर्य की तरफ फेस करके रखे हुए तो पीछे क्या है? छाया है। तो छाया और आप देख रहे हैं दोनों एक साथ ही हैं। तो कृष्ण की तरफ अगर आप कृष्ण की साइड देख रहे हैं तो दूसरी साइड माया है, अगर आप कृष्ण की साइड नहीं देख रहे हैं तो माया की तरफ है। तो इसलिए कृष्ण और माया बहुत निकट निकट है, बहुत निकट निकट है। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप बोलो नहीं थोड़ी देर के लिए ना हम कृष्ण से कोई तुम उधर कर लेते हैं तो माया झपट पकड़ ले, झपट आए धरे हैं पाश्चात्य माया निकटस्थ माया झपट धरे आपको तुरंत पकड़ लेती है, बहुत पास है वो। तो ये दो, तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। शैडो की तरह है वो शैडो। तो अब आया जो एक फाइनल, तो ये मैंने आपको बताया कैसे हमें इनको कंट्रोल करना है, जहां जहां छिपे हुए वहां से मार भगाना है। अब फाइनली एक श्लोक जो बताया गया है, यश्यात्म बुद्धि कुनपेति धातु की त्रिधातु के, इसमें बताया जा रहा है जो मनुष्य त्रिधातु, क्योंकि हमें लत पड़ गई बोला गया है। शरीर को सुख देने को हम सोचते हैं अपने आप को सुख दे रहे हैं, ये लत पड़ गई है। तो ऐसे के लिए बोला गया है यहाँ पर कि जो शरीर को ही आत्मस्वरूप जान लेता है, मतलब शरीर को ये सोचता है ये मैं हूं, शरीर मैं समझ बैठते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर जब शरीर हमारा शरीर गिर पड़ता है मृत होकर, तो ऐसा क्या था उसके अंदर जो जिसके जाने से वो ऐसा हो गया? तो ये विचार करना चाहिए। अभी था तो अभी हम सब हिल रहा है हाथ बोल रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि शरीर अब बिल्कुल डेड हो गया है? तो विचार करना चाहिए कुछ ऐसा था उसके अंदर जिसकी वजह से उसमें जान था, वही एक्चुअली आप है जिसकी वजह से ये शरीर में जान था। वो चला गया तो अब कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो ये सोचता है कि शीशे में हम देखते हैं अपने आप को, ओ मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मेरा नाम अमन अग्रवाल है, मैं तो ये प्रणव हूं, अभिषेक भारती है, आई एम द ग्रेट अभिषेक भारती, एग्रीकल्चर बिरसा एग्रीकल्चर, आई एम अ स्टूडेंट, यू नो आई एम सच अ ग्रेट स्टूडेंट। तो ये ऐसा लगता है शरीर को देख के। तो जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, मेरा जो है तुम जानता नहीं है मैं झारखंड का भूमि में जन्म हुआ है मेरा का, ये मेरी मातृभूमि है, मैं इसके लिए कुछ भी, तो मतलब जो शरीर से जुड़ी हुई सब चीजों को बहुत कुछ मानता है। शरीर से लोग पता नहीं क्या क्या लड़ जाते हैं इसके लिए। और जो ये सबसे अच्छा है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा क्यों किस लिए करता है, सिर्फ स्नान करके आ जाता है, उसको लेना देना नहीं है वहां पर जो साधु हैं उनके सुनने के लिए।
आप कभी भी इस तीर्थ में कोई भी स्थान जाते हो, वहां पर अगर आप कथा नहीं सुनते हो साधुओं से, उस जगह के महत्व तो नहीं सुनते हो, तो वो फिर वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम, गधा या बैल के समान, मतलब उनको जाकर थोड़ी कुछ करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही सुंदर एंडिंग किए प्रभुपाद जी ने श्लोक का। आई होप आप सबको आज का क्लास समझ में आए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक क्वेश्चंस। और तो हमारा सुगतो प्रभु आप अच्छा अच्छा आपको वैसे नहीं आया होगा, बिकॉज सबने एक्चुअली डायरेक्ट भेज दिया। आज मैंने सेटिंग कर रखा था, तो मैं इसको थोड़ा सा, बिकॉज समबडी वॉज डिस्टर्बिंग, तो इसलिए मैंने सेटिंग करा था, अभी आ जाएगा। ड्यूरिंग रुकिए, एक एक करके पढ़ता हूँ फटाफट। नैतिका को सर्टिफिकेट वो गीतांजलिनम का मिल जाएगा, प्राइस प्राइजेस आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। हरे कृष्णा इंद्रियां क्यों मन को ढक लेती, क्यों क्यों हमें प्रारंभ में इसका ज्ञान नहीं हो पाता है? तो क्योंकि हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं इस संसार में मजा लेने के लिए ना, ये सब व्यवस्था भगवान ने की है। ये सब नहीं होगा तो आप भगवान को भूलोगे कैसे? और जब कष्ट नहीं मिलेगा तो सीखोगे कैसे? तो ये सब प्रोसेस है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम ज्ञान में नहीं होते तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या मूर्खता कर रहे थे। तो अगर गीता का ज्ञान नहीं होता तो हमें लगता कि जीवन तो संघर्ष का नाम है। हाँ ऐसे आते ना मोटिवेशन स्पीकर, तुम जीत सकते हो इस दौड़ में, हाँ तुम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, ऐसे करके जोश दिलाते हैं। तो ये सब ढोंग करते हैं आकर, संघर्ष का नाम है। अरे जितने भी बड़े तुम योद्धा हो, माटी में चले जाओगे, मिट जाओगे मिट्टी में। हाँ ये दुर्गा का सामना कर सकते हो क्या? ये दुर्गा का जगत है, माया का जगत है ये। तो जब तक भगवान, इसीलिए गीता में बोल रहे हैं, हाँ दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो माया है वो बहुत पार कर पाना इसको इम्पॉसिबल है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, जो मेरी शरण लेगा वही पार कर सकता है। ये जो बड़े बड़े जो बोल रहे हैं कि मेरी शरण ले लो हो जाएगा, मैं जो लिख रहा हूं ना, आई द ग्रेट सो कॉल्ड मोटिवेशन स्पीकर, मेरी बात सुनोगे तो सब हो जाएगा, दिस इज ऑल बोगस। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, कृष्ण बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हरे कृष्णा, कहीं दूसरों को भक्ति का ज्ञान देने से अपने अंदर अहंकार तो नहीं आ जाएगा? अंजीव प्रभु कह रहे हैं गाइडेंस में करना चाहिए हमें, जितना हम सुनते हैं उतना ही बता दो एज अ मैसेंजर, और गाइडेंस में करोगे तो सेवा की तरह जाएगा, ठीक है ना? और जब गुरु के अंडर में रहते हो तो गुरु देख लेगा, वो तुम्हारे अहंकार की चूर चूर कर देगा। उसका गुरु का मतलब यही होता है भारी, गुरु का मतलब एक वर्ड होता है भारी, एक होता है जो आपको अंधकार से दूर करे, दूसरा होता है जो भारी हैवी, गुरु भारी एक शब्द का उसका मतलब होता है, कई मीनिंग्स होती है। तो भारी का क्या मतलब होता है, जो आपके अहंकार में जिस अहंकार को चूर चूर कर दे, भारी जो है। तो हम अगर गाइडेंस में होते हैं ना, तो जैसे ही हमारे अंदर देखता है वो ना, तो हमको ऐसा वो डांट लगाता है ना कि सब ठीक हो जाएगा, आपका सब अहंकार चूर चूर हो जाएगा। ऋषभ इज सेइंग सर प्लीज टेल हाउ टू स्टे पॉजिटिव ऑन अवर वे इवन इफ एवरीवन इज अगेंस्ट अस। तो अच्छा क्वेश्चन है कि सब लोग अगेंस्ट हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के तरीका ये है कि हमें अंदर से अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग करना है। स्पिरिचुअली वी हैव टू बिकम वेरी साउंड। एक्चुअली जैसे बाहर पूरा कोरोना क्राइसिस है,
अंदर से वैक्सीन ले लिया आपने तो आप आराम से घूम सकते हो। तो वैसे ही बाहर प्रॉब्लम कितनी भी क्यों ना हो, आप अंदर से स्ट्रांग है तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स आप अंदर से स्ट्रांग हो जाइए। ये जो प्रोग्राम आप अटेंड करेंगे यू विल फील इन आप इन अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं। अभिषेक भारती प्रभु कह रहे हैं व्हाई वी नीड दिस बॉडी, क्योंकि आप मजे करने आए, मजा करना चाहते हो ना, आप भूल जाना चाहते हो कि आप भगवान के दास हैं। आप ये याद रखना चाहते हैं आई द ग्रेट अभिषेक भारती, हम यही अपने आप को महान बनाने के लिए संसार में आए, इसलिए शरीर चाहिए अहंकार मिथ्या अहंकार बनाने करने के लिए। आत्मा मूल रूप से अपने आप को भगवान का दास ही समझती है। जब हम ये भावना से जब भगवान से दूर हो जाते हैं तो हमको जाहिर सी बात है एक मिथ्या ड्रेस चाहिए ना, नहीं तो कैसे, उस ड्रेस में तो आप भगवान का अंश ही हो, तो एक मिथ्या ड्रेस चाहिए जिसमें आप ये मान के चलो मैं तो राजा हूं, मैं तो इंद्र हूं, मैं तो ब्रह्मा हूं। तो ये सब भावना हमारे अंदर आ जाती है, इसीलिए फॉल्स शरीर दिया, ये शरीर दिया जाता है जिसको हम स्वयं को अपने आप को समझ बैठते हैं। तो जब मृत्यु पूछ रहे हैं भगीरथ प्रभु ड्यूरिंग डेथ विच कम्स आउट, व्हाट इज आत्मा का आती है क्या आता है, तो मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा आती है। कोर्स में हम बताएंगे भी आगे सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा, तो स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार है, वो फिर नए शरीर में आपको लेके जाता है। When we are sad, then what is the status of atma? Because at that time man is sad. तो आत्मा देखा जाए तो आत्मा बताया ना, आत्मा अभी शरीर को ही हम सब कुछ समझ बैठते हैं कि मैं ही हूँ। तो आत्मा तो वैसे दिव्य अनुभूति ही करता है हाँ, लेकिन हम अज्ञानता में क्या समझ बैठते हैं कि मुझे कष्ट हो रहा है, तो वो शरीर का कष्ट को हम अपना कष्ट मान बैठते हैं। तो इसीलिए ये अज्ञानता है हमें, इग्नोरेंस इज ब्लस हाँ। तो क्या आ रहा है, अच्छा तो ये कुछ क्वेश्चन अच्छा प्रभु जी दिखा दिए हैं। तो इधर तो ये मैं अभी फिर उसमें नहीं देख रहा हूँ, मैं अभी चैट बॉक्स में देख रहा था, तो मैं अभी इससे देख रहा हूँ अपने स्क्रीन से। वेदांश चौधरी प्रभु, महाभारत भी तो इंद्रिय को वश में ना करने के कारण होता हुआ था। वेदांश हाँ, महाभारत कोई छोटी सी चीज है क्या, वो तो युद्ध एक पार्ट था महाभारत का। महाभारत में तो बहुत कुछ हुआ है ना, महाभारत में सिर्फ युद्ध थोड़ी हुआ है। महाभारत का मतलब ये महान भारत, ग्रेट इंडिया की स्टोरी है, वो हिस्ट्री है वो हमारी। तो महाभारत में सिर्फ युद्ध ही थोड़ी है, महाभारत में बहुत कुछ सीखने की चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ लोग एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे, तो कौरव वो थे जो अधर्म का साथ दे रहे थे, पांडव जो धर्म का साथ दे रहे थे। इसलिए जो धर्म का साथ देता है ही इज इन परफेक्ट कंट्रोल, कृष्ण की तरफ है वो, कृष्णा इसीलिए उनका साथ देते हैं। गौरव आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए, जो कर रहे हो यही करना है, 7 से 8 आया करो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। प्रभु भगवान की संतुष्टि आत्मा की संतुष्टि बराबर है, तो भगवान के लिए करोगे तो अपने आप तुम्हारा संतुष्टि हो जाए, तुम्हारा संतुष्टि भगवान से सेपरेट नहीं है। सर गॉड नेवर टेक बर्थ बट लॉर्ड कृष्ण टुक बर्थ एंड हिज मदर वाज देवकी, काइंडली लेट टेल आंसर। हाँ तो भगवान जब आते हैं तो ये एक ड्रामा की तरह है, कृष्णा वो कृष्ण का जन्म और उनका आना और जाना एक ड्रामा की तरह है, आते हैं जैसे और चले जाते हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक कि वो हमारे जैसे जेल में आए हैं, उनको 84 लाख योनि का शरीर मिला। भगवान आते भी हैं तो जब आए थे तो जन्म कैसे लिया था उन्होंने, उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म के साथ सुशोभित थे। हाँ कोई बच्चा ऐसा जन्म लिया है कपड़ा के साथ आया हो, हाँ ATM कार्ड ले आया हो अपना पिछले जन्म का, पापा ये मेरा पिछले जन्म का ATM कार्ड आपके काम आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान आए तो पूरा शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हंसते हुए आए,
आए वो आए तो सारे के सारे देवतागण उनकी स्तुति करने आ गए, ठीक है ना। तो सूरज कुमार प्रभु जी मैं सिर्फ इंद्रिय की ही सुनता हूँ, नहीं प्रभु जी मैं सिर्फ इंद्रिय की ही सुनता हूँ, हम अपने मन पर अभी कैसे हों ताकि इंद्रियों को वश में रखें। यही जो तरीका है अभी बता रहे हैं ना आपको, ये जो हम आपको बता रहे हैं यही सब तरीके हैं। आप धीरे धीरे गीता को सुनेंगे तो आपकी इंद्रिय आपकी बुद्धि आपकी शार्प होगी, फिर बुद्धि से आप मन पे काबू कर सकते हैं, और आप जब चैंटिंग करेंगे अभी हम लोग मिलकर तो उससे भी बुद्धि आपकी शार्प होगी। सर गीता में कौन सा राइटर का बुक सबसे अच्छा है जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए? तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं नकुल, ये भगवद गीता यथारूप है, यही सबसे बेस्ट है। दुनिया में लगभग 100 भाषाओं में इसका करोड़ों करोड़ों प्रतियां इसमें वितरित हो चुकी हैं। प्रभुपाद जी की ये सबसे सुंदर है इस्कॉन की भगवद गीता यथारूप, इसमें आपको हर श्लोक के साथ उसका तात्पर्य और अनुवाद भी दिया हुआ है। तो हमारे राहुल प्रभु कह रहे हैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन फुल टाइम, किसने रोका, आइए स्वागत है आपका, आइए आप ट्रेनिंग लीजिए पहले, और हमें चाहिए लोग जो पूरा प्रचार में हमें हमारे साथ दें। तो राहुल प्रभु अपने को अनम्यूट करके थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए पहले। राहुल हाँ राहुल कौन यहाँ पर अभी राहुल दिख नहीं रहे हैं हमें, राहुल भदौरिया ही दिख रहा है बस। रुको राहुल क्वेश्चन पूछ के कहाँ हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो अभिषेक भारती प्रभु के क्वेश्चन व्हाई वी शुड नॉट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन प्रभु जी, क्योंकि तुम्हारा क्या था जो तुम लेकर आए हो, तुम्हारा रिस्पेक्ट था क्या? हमें रिस्पेक्ट दिया गया है बिकॉज हम सब हमें मतलब भगवान का ही सारा फेम भगवान का है, हमें बस मिलता है थोड़ी दिन के लिए, तो इसमें घमंड किस बात का भी। हमारा होता तो हम उसको हमेशा रख सकते हैं क्या, फिर हमें डर क्यों लगा रहता है कि कहीं मेरा बदनामी ना हो जाए, ठीक है ना। इसलिए बार बार रिपीट किया है क्या, कल कल विवेक क्या है, क्या काल विवेक क्या है, समझ में नहीं आया क्वेश्चन। प्रभु जी डिड द प्राइज विल कम इन दिस मंथ, हाँ आ जाएगा नैतिका, आ जाएगा आ जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारी मदर दोनों का मम्मी का भी आ जाएगा, दोनों प्राइज पाए ना। सर धर्म क्या है मनीष? धर्म वो है जो भगवान की बात को पालन करे, हाँ वो भगवान की बात के हिसाब से चलना धर्म है, भगवान की बात के खिलाफ जाना अधर्म है। अभय इज ऑल्सो सेइंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन फॉर फुल टाइम। अरे वाह तो बहुत अच्छा आज अवसर है हमारे लिए, हमारी टीम में मेंबर्स बढ़ रहे हैं। अभय थोड़ा अनम्यूट करो अपने आप को, बताओ कहाँ से हो। अभय बेस से। हाँ अरे तो फिर तो तुम तो ऑलरेडी आगे हो, बस थोड़ा सा बस आगे हो और ठीक है चलो। तो तुम वो राहुल कौन था जो तुम्हारे साथ था? वो राहुल नहीं था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो चैंटिंग करते हैं हम फटाफट, बाकी क्वेश्चन साधना चार्ट में रीडिंग ये सब बाद में क्वेश्चन हो जाएगा। साधना चार्ट में रीडिंग के लिए बोला गया है, रीडिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा? प्रभुपाद जी की किताबें हैं, आके यहाँ से सेंटर से लेके जाओ। इंदु सिंह कुछ पूछना है क्या, हाथ उठाया? कोई बात नहीं तो चैंटिंग करते हैं हम अपना सबसे मुख्य जो हमारा ये इसको बोलते हैं कि आप फायरिंग करना माया के खिलाफ। हाँ इसमें आप ऐसे माला पकड़ते हैं और आप उंगली को बाहर निकालते हैं और माया को एक एक करके आप फायर करते हैं चैंटिंग, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से करिए अभी सब लोग, ध्यान पूर्वक अपने नाम को जो मुख से निकलेगा उसको सुनना है, सुनने पे फोकस करिएगा। तो जितना अच्छे से सुनेंगे अपनी ध्वनि को, मन में नहीं करना है इसको कि बस साइलेंट होके ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं बैठना है, क्योंकि आप साइलेंट भी होंगे तो मन बोलेगा, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए अपनी आवाज को, ठीक है।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वेत गदाधर शिवा श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम